नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। हल्द्वानी के सोवन सिंह जीना बेस अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर लोग असमंजस की स्थिति में हैं। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में लंबे समय से अल्ट्रासाउंड मशीन ठप पड़ी है, मरीजों को अन्य अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते मशीन बंद पड़ी है, जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। आपको बता दें कि अस्पताल में बड़ी संख्या में पहाड़ के दूरस्थ आंचलों से मरीज पहुंचते हैं, मगर पिछले कई दिनों से अल्ट्रासाउंड न होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। बहरहाल सीएमएस सविता हयांकी का कहना है कि अल्ट्रासाउंड मशीनों में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है, सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं, उनके स्थान पर दूसरे रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था कर ली गई है। जल्द ही अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शुरू कर दिया जाएगा। मशीन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी 3 दिन पहले से हमारे रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी गए हुए हैं, क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, और एक अल्टरनेट रेडियोलॉजिस्ट का इंतजाम हो गया है। वो आज किसी वजह से आज रिलीव नहीं हो पाए, वो कल को पहुंच जाएंगे और परसों से हमारा काम शुरू हो। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।